स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं संजू शर्मा आपके सामने मैं कोई टॉपिक ना लाके आज जो आपकी कह रहे हैं कि जो आपकी 16 तारीख को आपकी बीएड का पेपर है, लेकिन आपके 16 से 21 के बीच में आपके नेट का पेपर का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों, ये जो यूजीसी नेट का पेपर होता है, ये हम कहें तो ये हमारी एक उच्च स्तर की शिक्षा होती है। इसमें हम उस टेस्ट को पास करते हैं। इसके अंदर हमारा यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है, उस परीक्षा के बारे में, यानी कि हम कई बार ये गलती करते हैं कि हमें ये जो पेपर आता है उसकी जब हमें जानकारी नहीं होती है तो हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, जिससे कि हमें आते हुए प्रश्न, या हम ये कहें कि पेपर का नहीं करने के तरीके से हम उसे उसमें सफलता हासिल नहीं करते। तो उसी के लिए मेरी जो आज की वीडियो है आपकी, वो उसी से संबंधित है। मैं आज की वीडियो में सिर्फ आपको आने वाले यूजीसी नेट की परीक्षा को किस तरीके से उसके हमें आयोजन जो आयोजन किया जा रहा है उसमें हमें किस तरीके से किन किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है, जिससे कि हम अच्छी तरह से उसमें सफलता हासिल करें, इसके बारे में जो आवश्यक जानकारी है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ बच्चों। क्योंकि हमारे जो यूजीसी नेट की जो पद्धति है, जो नई यूजीसी नेट, इसीलिए मैंने आपके इसमें लिखा है नई यूजीसी नेट की परीक्षा, क्योंकि कई बार ये हो रहा है कि जो बच्चे यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हैं उन्हें ये नहीं पता कि आज जो हमारे इसकी परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर दिया गया है वो कौन कौन से इसमें परिवर्तन किए हैं, क्योंकि इस गलती के कारण हम इस परीक्षा में असफल हो जाते हैं। उसी के बारे में, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए कहती हूँ, कई बार हमारे साथ जो परीक्षा का डर होता है उस डर के कारण, दूसरा उसकी हमें सामान्य जानकारी नहीं होती उसके कारण हम उस परीक्षा में असफल हो जाते हैं। तो जो आज हमारी, क्योंकि ये हमारी जल्दी ही आपकी ये आयोजन हो रहा है इस परीक्षा का, इसीलिए मैं इस परीक्षा के बारे में, इसकी पद्धति के बारे में आपको बता रही हूँ। बच्चों, ये जो वीडियो है हमारी कि आपको किस तरीके से नई योजना, इसकी जो परीक्षा पद्धति है उसमें किस तरीके से परिवर्तन किया गया है, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, और इसे आप ध्यान से देखें। क्योंकि जो हमारी कई बार है कि जो बच्चे पहले से देते हुए नेट की परीक्षा आ रहे हैं और उसमें उनको सफल नहीं हो रहे हैं, उन्हें आज तक इस परीक्षा के बारे में चेंजेस जो हुए हैं उसके बारे में पता नहीं है, तो हमारा किस तरीके से इसमें जो पेपर है उनमें परिवर्तन किया गया, समय में परिवर्तन किया गया, परीक्षा प्रणाली जो हमारा आज कहते हैं पहले जहां ऑफलाइन थी, आज हमारी ये ऑनलाइन परीक्षा है। तो बच्चों, ये ऑनलाइन परीक्षा का तरीका भी कि किस तरीके से, कितने समय में, ये सब इन चीजों का मैं आज वर्णन कर रही हूँ। आज सबसे पहले हम देख रहे हैं यूजीसी नेट परीक्षा, यानी कि यूजीसी जो हमारी नेट की परीक्षा है, हम नेट बोलते हैं उसे, नेट की परीक्षा हमारी कौन सी है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, हिंदी में जिसे हम कहेंगे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। ये ऐसी परीक्षा है जो हमें स्कूल व्याख्याता बनाती है कॉलेज लेक्चरर्स के लिए, और अगर हम इस नेट की परीक्षा को पास करते हैं तो नेट की परीक्षा के बाद में हमें पीएसडी में भी इसके लिए बहुत बड़ा एक लाभ मिलता है, क्योंकि जो हमारी पीएसडी की है उसमें हमारे लिए एक वहां पर सीट रिजर्व होती है कि हमें कितने नंबर इस यूजीसी नेट के मिलते हैं उस परीक्षा में पास होने पर। तो ये सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा हम स्नातकों उत्तर पास करने के बाद, अर्थात एमए करने के बाद में हम इस परीक्षा में बैठ सकते हैं बच्चों, और इससे हम स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, या हम कहें यूजीसी नेट हमारी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है, तो ये हमारे पूरे भारत में वैलिड होती है। हम किसी भी राज्य की कॉलेज में, हम वहां जाकर कॉलेज में व्याख्याता के पद पर हम कार्य कर सकते हैं। तो ये, और आज जो हमारे 2009 की जो शिक्षा प्रणाली, 2009 में तो ये पारित किया कि जो भी कॉलेज लेक्चरर्स हैं उन्हें नेट परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है। तो इसीलिए इसके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों, इसके लिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो आप ये वीडियो पूरी देखें, जिससे कि आने वाले 16 तारीख से 22
परीक्षा का आयोजन हो रहा है, उस आयोजन में हम गलती ना करें। बच्चों, हम मेहनत बहुत करते हैं, या आप में से ऐसे हैं जो मेहनत बहुत कर रहे हैं नेट पास करने के लिए, लेकिन कई बार इसकी पद्धतियों का जब हमें ज्ञान नहीं होता है तो वो जो तैयारी हम कर रहे हैं उसमें हम असफल हो जाते हैं। अगर हम तैयारी कर रहे हैं उसे सफल बनाना है तो हमें उस प्रणाली के बारे में भी, यानी कि अगर सफलता हमें हासिल करनी है ना बच्चों, तो वो सफलता के लिए हमें उस पद्धति का भी ज्ञान होना चाहिए कि किस किस प्रणाली के द्वारा कौन कौन सा उसमें परिवर्तन, आज के टाइम पे इसमें परिवर्तन किया गया है उसके बारे में हम जाने, जिससे कि हम इसे पास करें। अब देखिए, सबसे पहले योग्यता, योग्यता के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा, हमने देखा है कि जो हमारी ये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है इसे दो रूप में करते हैं। एक तो हम क्या करते हैं, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट के रूप में, जो जूनियर असिस्टेंट और हमारा एक होता है इसके अंदर, हम जिसे कहते हैं कि प्रोफेसर और जूनियर असिस्टेंट, दो रूप में हम इसका करते हैं। दो रूप में प्रोफेसर के लिए हमारी कोई सीमा नहीं होती है इसमें, प्रोफेसर के लिए हमारी आयु सीमा नहीं होती है, और जूनियर असिस्टेंट जो हम कर रहे हैं इसमें, जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो हम कर रहे हैं इसके अंदर, हमारे यहाँ पर जहाँ योग्यता, जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा है उसके लिए हमारी जो सर, हमारी जो ये योग्यता है, यानी कि हमारी आयु सीमा, इसकी जो आयु सीमा है इसके लिए सामान्य जो हमारे 28 साल से और 30 की करी है इसमें, जो हमारी जूनियर असिस्टेंट के लिए है इसमें, कि जूनियर असिस्टेंट की इसके अंदर, जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर की इसके अंदर आयु सीमा को 28 से और 30 की गई है इसमें, 28 से 30 की इसके अंदर की गई है जूनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, इसकी आयु सीमा 28 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। और जो हम प्रोफेसर, क्योंकि इसमें दूसरा है प्रोफेसर, तो प्रोफेसर के लिए जो कर रहे हैं उसके अंदर हमारी कोई भी आयु सीमा नहीं है, इसके अंदर आयु सीमा का कोई, आयु सीमा की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हम इससे जब हमें फॉर्म भरते हैं तब हमारे लिए दो कॉलम आते हैं, जूनियर असिस्टेंट और प्रोफेसर का। तो हमें देखना है कि हमें कौन सा, अगर हम 28 से 30 की आयु तक में हैं तो हम उसके लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हम इसके लिए ओनली प्रोफेसर के लिए करते हैं। फिर हमारा सेकंड आता है हमारा विषय का चयन, कि हमें जो हमारी, मैंने पहले बताया आपको, हमारा, हम जो नेशनल ये एंड जो हम नेट का एग्जाम देते हैं वो हमारी जो स्नातकोत्तर में जो हमारी विषय होती है उसके आधार पर हम विषय का चयन करते हैं। एमए की जो विषय होती है उसके आधार पर, उसके आधार पर हम विषय का चयन करते हैं, यानी कि एमए में हमारे जिस विषय में 55% होते हैं या 55% से ऊपर हमारे जब मार्क्स आते हैं तो हम इस परीक्षा को देने के, जो हमारी परीक्षा हम देते हैं वो हमारे लिए सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए 55%, और जो आरक्षित वर्ग हैं, आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए 50%, यानी कि सामान्य के लिए उस विषय में स्नातकोत्तर जो पास की है उसमें 55% होना चाहिए, और जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए 50%। इस परसेंट के लिए कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं बच्चों कि हम ये टेस्ट, इस परीक्षा में हम बैठ सकते हैं नहीं, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि एमए में सामान्य वर्ग के बच्चे की 55% और 55% से ऊपर है तो वो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, और आरक्षित वर्ग के लिए ये 50% है, वही बच्चे इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसके लिए अब आगे हम देखें कि इसकी जो नई परीक्षा प्रणाली आई है, जो कब हुई थी, जुलाई 8, 2018 से लागू हुई थी, जब जनवरी में हमने इसकी, जो जनवरी से ये लागू हुई थी ये परीक्षा प्रणाली,
परीक्षा देते थे उसमें तीन विषय होते थे, या फिर कहें उसमें हमारा जो विभाजन होता था वो तीन रूप में होता था। और आज जो हमारी नई परीक्षा योजना है उसमें हमारे दो प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम वो सभी विषयों के लिए अनिवार्य होती है जो एमए हम करते हैं, या देखिए बच्चों जो हम एमए विषय में चयन करते हैं कई बार हमारी एक विषय है इसके अंदर एजुकेशन, शैक्षणिक विषय जो है हमारी शैक्षणिक विषय है वो हमारी हम एमएड बेस पे करते हैं, उसके लिए हमें एमएड में 55% मार्क्स होते हैं, तब हम एजुकेशन विषय से उस परीक्षा के लिए हम हमारा फॉर्म अप्लाई करते हैं और उस परीक्षा में बैठते हैं। तो मैं इसी चीज़ के लिए आप कह रही हूँ विषय का जब चयन करते हैं अगर एमएड है हम तो एमएड के लिए हमें एजुकेशन सब विषय से हम नेट का फॉर्म भरते हैं। एमएड में हमारी 55% होनी चाहिए और वही चीज है सामान्य वर्ग की 55, ये हमारी परसेंट होनी चाहिए 55%, तभी हम इसके लिए हमारे फॉर्म की अप्लाई कर सकते हैं, इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये चीज बता रही थी कि नई जो हमारी शिक्षा इसकी नई नेट की जो परीक्षा योजना है वो इस तरीके से लागू की गई है। इसके अंदर हमारी जो संक्षिप्त सूचना मैंने इसमें जारी की है, प्रश्न पत्र दिए गए हैं, इसमें दो प्रश्न पत्र कर दिए गए हैं। बच्चों विशेष ध्यान देंगे इस चीज पर, हमारे जो पेपर हैं उनका डिवाइडेशन दो भागों में किया है, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। जो हमारी पहले तीन विषय थी उसको उसमें जोड़ दिया गया है। प्रथम पेपर हमारा अनिवार्य होता है, प्रथम पेपर हमारा अनिवार्य होता है, प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य होता है, और द्वितीय प्रश्न जो हम लेते हैं द्वितीय वो हमारी विषय के आधार पर हम उसका चयन करते हैं। अब इसमें देखिए बच्चों हम जो इसका डिवाइडेशन करते हैं प्रश्न पत्र, ये ध्यान रखेंगे कि प्रथम प्रश्न पत्र में हमारे कितने नंबर का होता है, 100 मार्क्स का, 100 नंबर का होता है, और प्रश्न पत्रों की जो संख्या होती है वो 50 होती है। पहले जहाँ 60 थी बच्चों उसके अंदर हमें 50 करने अनिवार्य होते थे, लेकिन आज की जो हमारी परीक्षा होती है इसमें प्रश्नों की संख्या 50 होती है और सभी प्रश्नों को हमें करना अनिवार्य होता है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न हमारे 2 अंक के होते हैं जो प्रत्येक प्रश्न। और सबसे बड़ी चीज ये है बच्चों कि हमारे यूजीसी नेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें हम जो प्रश्न करेंगे उसके हमें नंबर मिलेंगे सही, और गलत है तो हमारे उन प्रश्नों के हमारे जो गलत आंसर हमने दिए हैं उसका हमें हमारे मार्क्स नहीं कटते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो प्रश्नों की संख्या 50 होती है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो टोटल हमारा ये 100 अंक का हमारा पेपर होता है प्रथम, जो हमारा अनिवार्य होता है सभी बच्चों के लिए, किसी भी विषय के हो किसी भी संकाय के होते हैं उनके लिए प्रथम प्रश्न पत्र करना अनिवार्य होता है। और दूसरा बच्चों पहले हमारे इस प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 1.25 घंटे यानी 1 घंटा 15 मिनट फिक्स था, हमें 1 घंटे 15 मिनट के अंदर जब ये ऑफलाइन था तब हमें ये 1 घंटे और 15 मिनट के लिए हमें ये पेपर करना होता था, और बाद में इसे सिर्फ 1.75 घंटे का किया था इसमें, लेकिन आज जब हमारी ये नेट की परीक्षा ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन होनी शुरू हो चुकी है तो ऑनलाइन में हमारा जो समय होता है वो टोटल यानी कि दोनों प्रश्न पत्रों के आधार पर इसका डिवाइडेशन कर दिया गया है 3 घंटे। इसका कोई डिवाइड नहीं है कि आपको 1.5 घंटे में ये करना है या 1.5 घंटे में, हमें 3 घंटे में पूरे दोनों पेपर करने होते हैं। तो आप चाहे फर्स्ट प्रथम जो आपका प्रथम पेपर है उसके अंदर आप 2 घंटे में करें और सेकंड को चाहे 1 घंटे में करें, ये हमारे आज ऑनलाइन होने पर इसमें समय अंतराल दोनों का मिला के हमारा 3 घंटा कर दिया गया है बच्चों। अब जो मैं बता रही थी आपको कि प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हमारे प्रश्नों की संख्या 50 होती है और अंक होते हैं हमारे 100, प्रत्येक प्रश्न हमारा 2 अंक का होता है, और द्वितीय प्रश्न पत्र जो हमारी विषय होती है अगर हम हिंदी से पढ़ते हैं तो हिंदी, और अगर हम एजुकेशन से करते हैं तो हमारी एजुकेशन। ये द्वितीय प्रश्न पत्र हमारी विषय होती है ये सभी बच्चों के लिए अलग होती है, जो जिस
विषय से नेट का फॉर्म लगाता है वो उसी की पेपर देता है सेकंड। इसके अंदर बच्चों हमारे 100 जो हमारे प्रश्नों की संख्या होती है वो 100 होती है और हमारे जो अंक होते हैं वो 200 होते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न हमारे कितने नंबर का है, 2 अंक का, यानी कि यहाँ प्रश्नों की संख्या भी टोटल 100 होती है और सभी प्रश्न हमें करने अनिवार्य होते हैं। तो ये हमारी आज की जो हम नेट की परीक्षा देते हैं बच्चों, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना आप समय पर, क्योंकि कई बच्चे समय पर समय के कारण अपने प्रश्न छोड़ देते हैं, क्योंकि जो उन्हें पहले ये पता रहता है कि हमारे प्रश्न जो प्रथम पेपर था उसके लिए समय निर्धारित था। तो बच्चों इस बात का सबसे विशेष ध्यान रखना कि जो फर्स्ट पेपर के लिए हमारी जो समय बाउंडेशन थी वो आज खत्म हो चुकी है। हमें टोटल 3 घंटे में दोनों पेपर को सॉल्व करना है। ये आपके ऊपर है कि प्रथम प्रश्न पत्र को आप कितने समय में करते हैं और द्वितीय प्रश्न पत्र को आप कितने समय में। ऑल ओवर आपको 3 घंटे में आपको पूरा प्रश्न करना होता है। साथ में अगर हम इस विषय का जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र होता है जो सभी के लिए करना अनिवार्य होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रथम प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम होता है वो किससे संबंधित होता है, क्योंकि ये पेपर हमारा सभी के लिए अनिवार्य होता है। किसी भी संकाय के जो स्टूडेंट होते हैं उन सबके लिए प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य जो है कंपल्सरी, उसके बारे में मैं अध्ययन करवा रही हूँ। थोड़ा सा आपको उसके बारे में पाठ्यक्रम बता रही हूँ मैं। तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले आती है शिक्षण अभिवृत्ति, उसके अंदर हमारी शिक्षा, शिक्षण में कौन कौन सी अभिवृत्ति है, शिक्षा के बारे में, शिक्षण के बारे में, शिक्षण अधिगम के बारे में, शिक्षण के स्तर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में दिया होता है। सेकंड हम देखते हैं शोध अभिवृत्ति, जो हमारा रिसर्च से, क्योंकि नेट जो हमारा लेवल होता है स्नातक उत्तर से हम आगे जाते हैं तो हम उस चीज़ का शोध करने के लिए हम उस योग्य हो जाते हैं कि हम जिस चीज़ का कार्य कर रहे हैं उसमें हम शोध अपनाएं। तो ये सेकंड हमारी शोध अभिवृत्ति से रिलेटेड होता है। फिर हमारा बोध से, जो हमारी बुद्धि से संप्रेषण, कि हम जो बुद्धि दे रहे हैं उसे हम किस तरीके से हमें संप्रेषण करना चाहिए, क्योंकि लेक्चरर व्याख्याता जब हम बनने जा रहे हैं तो ये हमारा इसमें संप्रेषण करना हमारा प्रभावी है, तो ये हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। फिर है इसका थोड़े से गणितीय तर्क आते हैं, तो गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, ये जो हमारी टेबल माध्यम से इनके प्रश्न आते हैं, टेबल बनी हुई आती है, सारणी बनी हुई आती है, उनके आधार पर हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। ICT जो हमारी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, टेक्निक से संबंधित है, इसके पार्ट भी इसमें आते हैं। पर्यावरण और उसके विकास से संबंधित प्रश्न आते हैं। उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित आते हैं, जो हमारी आज की, क्योंकि हम खुद जब स्नातकोत्तर पास करें तो शिक्षा प्रणाली से संबंधित हमारे प्रश्न आते हैं इसके अंदर। ये हमारी यूनिट होती है इसके अंदर। तो बच्चों मैं इस चीज़ के लिए आपको बार बार मैं कह रही हूँ कि जो आज हमारी ऑनलाइन परीक्षा होती है नेट की, जो आपकी 16 से और 22 तारीख के मध्य आयोजित होने वाली है, उसका टेबल टाइम टेबल आने वाला है, एडमिट कार्ड भी आपके डाउनलोड होने वाले हैं। तो कई बार बच्चे ये हमसे पूछते हैं कि मैम क्या मैं नेट का फॉर्म भर सकता हूँ, तो उसी समस्या को देखते हुए आज मैंने ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई है। इसे देखें जिससे कि आपको पता चले कि क्या आप नेट के फॉर्म भरने के लिए, नेट की परीक्षा देने के लिए हम एजुकेटर हैं या नहीं। और दूसरी चीज़ जो हमसे सबसे बड़ी गलती होती है नेट में वो होती है समय, और दूसरा हम ये सोच जाते हैं कि हमारी नेगेटिव मार्किंग है। तो बच्चों ना तो हमारी यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है और समय अंतराल हमारा दोनों विषय के लिए 3 घंटे होती है, क्योंकि हमें 3 घंटे में दोनों पेपरों को करना होता है। जो मैंने लिखा है इसे आप आसानी से समझें, जहां हमारी 3 विषय थी हमारी इसमें 2 विषयों में इसका डिवाइडेड कर दिया गया है। अब प्रश्न पत्र हमारे जो प्रश्न पत्र होते हैं वो हमारे 2 होते हैं, प्रथम और द्वितीय। प्रथम हमारा अनिवार्य होता है और द्वितीय हमारा हमारी विषय होती है। तो बच्चों इसे देखें और मैं मानती हूँ कि अगर आप इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, क्योंकि मेहनत के साथ साथ हमें परीक्षा देने का तरीका भी आना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर ज्ञान बहुत होता है लेकिन हम उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको अपनी सफलता हासिल करनी है, परीक्षा का आयोजन अगर हमें पता होता है, उसके दिशा निर्देश हमें पता होते हैं, तो हम उस परीक्षा को हमें सफलता प्राप्त करने में हमें बहुत आसानी मिलती है। उसी के देखते हुए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। धन्यवाद।